माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। आज घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि सब लोग ना किसी काम से बाहर गए हुए हैं, सिर्फ मैं हूँ अकेली। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे शूट भी दोपहर के बाद करना है 2 बजे के बाद, तो सोचा क्या करूँ, घर का काम ही निपटा लेती हूँ। यार मैं देखो कितनी अच्छी अच्छी लड़की हूँ मैं, वरना लड़कियाँ घर के काम से बचती है। मैं सोच रही हूँ घर पे कोई नहीं है तो कपड़े धो लेती हूँ, इतने सारे कपड़े पड़े हैं। हम मशीन में पानी भरना स्टार्ट कर दिया है। दोपहर के 2:30 बज गए और अब बारी है शूट करने की, तो मैं जब शूट पे जा रही हूँ जल्दी से जाना है, तो इसलिए जल्दी से ड्रायर कर रही हूँ। चीनी क्यों खा रहे हो आप? चीनी पसंद है। इसको ना फीवर हो रहा है बहुत तेज का, तो उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। अच्छा मैं आपको कल लेकर गई थी, बंद था, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आज खुला हुआ है। शाम में चलेंगे फ्री होकर, अभी शूट करने जा रही हूँ मैं। खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला, देखती हूँ जल्दी से अगर कुछ खा लेती हूँ तो। उसको टॉय चाहिए, कोई था ही नहीं तो खाना खाने के लिए, खाना भी नहीं बनाया यार, क्या खाऊं? सोच रही हूँ कॉफी बना लूँ, एक कप कॉफी बना कर फिर निकलती हूँ मैं यार। विदाउट शुगर कॉफी बना रही हूँ मैं, क्योंकि कल जिम गई थी और आज जिम ही नहीं जा पाई मैं, क्योंकि घर पर कोई था ही नहीं, नाजिब पे और भाई, और सुबह ही 3:30 बजे रात के संभल चले गए थे, क्योंकि भाई के रिलेटिव में डेथ हो गई थी, तो इसीलिए ना वहाँ पे उनका तीजा था आज, तो इसलिए सुबह ही चले गए थे, कोई था ही नहीं। फिर अबान को फीवर आ रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे लगा मैं अबान को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि शाजिया बुराक को संभाल रही थी, तो मैं गई नहीं। फिर अब देखती हूँ अगर मैं शाम तक फ्री हो पाई मेरी जिम के टाइम तक, तो शाम में चली जाऊँगी। बाकी मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं शाम तक भी फ्री हो पाऊँगी यार, यही तो दिक्कत है। मैं इस बार जिम बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, वरना लास्ट ईयर तो इतना करती थी ना भाई, कुछ भी हो जाए जिम जाना है तो जाना है। उस टाइम का ना जैसा मैं चाह रही थी ना कि मतलब मैं ऐसी स्लिम हो जाऊँ वैसी हो जाऊँ, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट वैसी हो गई थी। इस साल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ चीज़ों में, इस वजह से नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। कभी कोई काम आ जाता है तो कभी कोई काम आ जाता है। लाल जल्दी से कॉफ़ी बन जाए यार, वरना ऐसे दूध पी लूँगी। कॉफ़ी तो बन गई, अब सोच रही हूँ इसके साथ कुकीज़ खा लेती हूँ, क्योंकि फिर भूख लगेगी बाहर, फिर उल्टा सीधा खाऊंगी यार। इसमें अजवाइन है ना, अजवाइन वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नहीं है, ये काजू वाली है। सो गाइस हम लोग आए हैं नीचे शूट करने के लिए, और ऐसी धूप में खड़ा होना मुश्किल है, और हम यहाँ शूट कर रहे हैं तेज धूप में। ओफो, एक तो ये फटा हुई पैंट दिलवा दो तुमने। शूट के बीच में ना ये मेरे को टॉय दिलवाने, मतलब टॉय लेने के लिए जा रहा है, तो फीवर आ रहा है बहुत तेज, इसलिए पहना हुआ है ये, मुझे फीवर आ रहा है। इससे रुक जाओ नहीं भाई, मैं पागल, तुम दोनों ही पागल। मैंने सोचा स्कूटी धुलवा लेती हूं, बहुत गंदी हो रही है, वहाँ शूट कर लेंगे, इतने ही धो देंगे आराम से। आ रहे हो? डक ले लो, ये ले लो यूनिकॉर्न, ये ले लो, ये कितने का है? कितनी वीआईपी है देख। चलिए अच्छा आप पैसे दो, चलो पैसे का है, रियान पैसे दो इसके। नहीं आपने लिए थे तो कब? ये मुझे आपने अपने आप शॉपिंग करना है कुछ खाने के लिए, ये डोनट लेना है, और आपको तो मना किया था पापा ने बाहर का खाने के लिए। लो आयरन मैन पकड़ो अपना, मजा आया, चलो सीन कर लेते हैं। या मोमोज आने के बाद ही लोगे खाते हुए सीन, यम्मी यम्मी मोमोज आ गए। नोनू मोमोज खाओगे? जीप लब लब आई, हाँ चल के मैं खिलाऊंगी ना, खाओ आराम से, बैठो पहले बैठो। स्कूटी मेरी धुल गई है, एकदम मस्त हो गई है, क्लीन। देखो आयरन मैन का डब्बा भी फेंक दिया वहीं पर, अपने मोमोज जो खाए थे पैक करा के गया। मैंने ना फुल वाली 2 प्लेट कर दी थी, मैंने उनको हाफ बोली थी, तो खाए नहीं है 3 लोगों से, 4 लोगों से। आपका बटन दबा, आप खुद ही दबा सकते थे। मेरे हाथ में सामान है ना, और एक हाथ में फोन है, इसलिए मेरे हाथ में आयरन मैन नहीं है। आपका एक हाथ तो खाली है ना? मेरा एक हाथ खाली नहीं है। राजी का पानी उरे को सरका दी, उरे को छुरे को पानी बोलना तो तुम क्या करते हो तुम?
उपले पा दूं। क्या होगा उपले? भैंस की टट्टी से उपले बना के और दीवार में चिपका दो, 5 रुपए का इज्जत था। भैंस की टट्टी जब भैंस हकती वो जब भैंस का वो होता, भैंस के गोबर से उपले पाद के दीवार में चिपका था, 5 का 1 जाता। कम से कम 200 बना दूं रोज के। Are you happy with him? Yes, I am. मतलब पक्का? हाँ। कल को बना लिया हूँ। लिया भैया लिया। भैंस पे लाऊंगा बना के रिचार्ज। क्या था ये? देखा आपने क्या क्या सीन हो जाते हैं? डायलॉग हम नहीं लिखते, हैंड टू हैंड बन जाते हैं हमारे डायलॉग। तो गिल गया बुल्लू के चोट लग गई का। मेरा बेटा, उससे पैकअप करने के बाद अबान को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ मैं। तो ये जनाब भी आ गए, गेट पे खड़े होकर रोने लग गए। अबान भाई को छोड़ा है। अबान को ट्यूशन से छोड़ के आने के बाद अब मैं बना रही हूँ शानी कबाब और मैं पीस रही हूँ सिल्पर। इससे ना पेट की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। किस किस को अच्छा लगता है सिल्पर पीसना गाइस, बताना मुझे कमेंट करके। ऐसे तो एक बात यार, मिक्सचर में कितना भी पीस लो मसाला जो होता है खाने का, लेकिन अगर किसी दिन आप सिल्पर पीस कर बनाओगे ना, वो साबुत मसाले जो होते हैं उसको पीस कर अगर बनाओगे खाना, तो उसका ना एक अलग ही टेस्ट आता है। पहले पीसते थे हम लोग सिल्पर, लेकिन हम लोग अब तो खैर मिक्सर में पीसते हैं। बाकी कभी कभी अगर चटनी खाने का दिल करता है एकदम देसी स्टाइल में तो इस पर पीस लेते हैं, बाकी तो ये शामी कबाब के इस्तेमाल में आती है। ट्यूशन से लेकर आती हूँ, वेट कर रहा होगा काफी बैठा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो गई तो बैठा ही होगा। बस बंदर बहुत है उधर साइड, अभी छोड़ कर आई थी तो पैदल छोड़ दिया था, लेकिन अब ओ भाई ऊपर ही सो रहा है ये तो, देखियो ऊपर ही। तुम तुमसे कुछ नहीं कह रहा, मुझे बस अपनी स्कूटी लेनी है यार। स्टेशन में भी आते हैं आज, स्कूटी नहीं चल रही, मैं स्कूटी को ऑन करके छोड़ के आई हूँ। मैं ऐसी डबल स्टैंड पे लगा के फिर ना स्टार्ट नहीं होगी ये, और देखो यहाँ बंदर टहल रहे थे सारे। वो बंदर बैठा था, मुझे स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही तो वो भी कह रहा है बहन तो जा चली जा, तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। 15 मिनट में स्टार्ट हुई है, तब तक मैं बंदर को देख रही थी, बंदर मुझे देख रहा था। बंदर से डर रहे थे, बंदर आपसे डर रहा था। हाँ छोटे बच्चों को खेले तो कुछ नहीं कहते बंदर। ठीक है कल फिर अकेले जाना, अकेले नहीं जाना।